हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत अच्छी डाई के बारे में बताऊंगी, और जो आज मैं डाई बता रही हूँ आपको उससे ना आप एक बार में जैसे आप पहली बार लगाएंगे उसी में आपको कलर मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग सुनकर बोलेंगे कि अरे आप तो हर बार ऐसे बोलते हैं, आपके पहली बार में कलर मिल जाएगा, लेकिन मैं जिस तरीके से बताती हूँ उस तरीके से, और आपके बालों के टेक्स्चर के ऊपर डिपेंड है कि आपके बाल में डाई का कलर कैसा आता है। क्योंकि मैं तो खुद वही डाई यूज़ करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ जो डाई मैं बता रही हूँ आपको, वो मैंने आज सुबह ही यूज़ की है और मुझे लगा उसका रिजल्ट मेरे बालों में बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब वो आपके बालों के ऊपर डिपेंड है कि आपके बालों में कैसा कलर आता है, क्योंकि सबसे पहला कलर का ऑप्शन सबसे पहला ये होता है कि आपके बालों में कलर किस हिसाब से आता है। सबसे पहला तो एज का हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों की एज कम है उनके बाल सॉफ्ट होते हैं तो जल्दी कलर आएगा, लेकिन जिन लोगों की एज ज़्यादा है उनके बाल हार्ड है तो कलर देर में आएगा। और जो लोग केमिकल वाले डाई यूज़ करते हैं तो उनके बालों में फर्स्ट एप्लीकेशन में कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो हर्बल डाई यूज़ करते हैं उनके बालों में 100% फर्स्ट एप्लीकेशन में कलर आ जाएगा। क्योंकि अब मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, मेरे बालों में बहुत अच्छा कलर आया है, कोई भी वाइट बाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने आज इसे पूरे बाल में अप्लाई किया था। और ये वाले बाल भी बहुत सॉफ्ट भी हो गए हैं, और अभी मैंने कॉम नहीं किया है, बालों को ऐसे ही बस सूखा रखा है ऐसे ही। और ये देखिए, आपको दिखा देती हूँ बाल कितने सॉफ्ट लग रहे हैं ऊपर से भी ये, और शाइन भी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि आज जो मैंने डाई में डाला है वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, और इसे आप हर बार वो घर में कितनी बार यूज़ करते हैं उसका रिजल्ट बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो आज मैं आपको डाई में बता रही हूँ। और इसे बस आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, आपको कैसे यूज़ करना है, इसलिए दो तीन तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको ये डाई बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से यूज़ करेंगे तो 100% आपके बालों में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो ये तो थी डाई की बात, और बहुत कम सामान यूज़ करूँगी मैं आज, मैं डाई में जो यूज़ करूँ, बस आपको ये ध्यान रखना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरीके से बनाइएगा। तो ये मेरी आज की डाई की बात थी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, तो मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। और जो मेरे अच्छे व्यूवर हैं, जो मेरी वीडियो को शुरू से देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ भी मेरी वीडियो को ऐसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा इस वीडियो में भी और मेरे नेक्स्ट चैनल की वीडियो में भी, जिससे आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ले सके। तो आज की डाई बहुत अच्छी है, आप उसे भी यूज़ कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग वाले चैनल को भी जरूर देखिएगा, और लिंक पर क्लिक कर नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन प्रेस करना ना भूलें। और जिन जो लोग मेरे नए व्यूवर हैं, जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर प्रेस करें। और जो अगर क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन नहीं प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता नहीं चलेगा, इसलिए। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बनाना। और जो डाई आज मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए मैंने पहले से पानी पका के रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक चम्मच चाय पत्ती अपने बालों के हिसाब से आपको लेनी है। तो ये अगर छोटे बाल हैं तो एक चम्मच लीजिएगा, अगर बड़े बाल हैं तो दो चम्मच लेनी है। तो ये आप चाय पत्ती को थोड़ा सा पानी में उबाल लीजिएगा, लगभग आधा या एक कप अपने बालों के हिसाब से। अगर आपके बाल लंबे हैं तो कम से कम दो कप पानी लीजिएगा, उसमें दो चम्मच चाय पत्ती, और अगर आपके बाल छोटे हैं तो एक कप पानी लेना, उसमें एक चम्मच चाय पत्ती, उसे अच्छे से पका लेंगे। और देखिए इस तरीके से पूरी जो चाय पत्ती है उसका पानी अच्छे से पक जाएगा, तो ये पत्ती पूरा कलर अपना इसमें छोड़ देगी। तो अब हम इसे छानेंगे, और छानने के बाद हम इस डाई बता रही हूँ आपको जो आज उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसे कैसे बनाना है, वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे हम। अभी देखिए इसे चाय पत्ती को हम छान लेंगे, और इसमें अभी मैं पहले एक दो चीज़ें और मिलाऊंगी। और ये बहुत ही अच्छी जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे लगाकर बहुत जल्दी अपने बालों को काला बना सकते हैं, और ये इंस्टेंट डाई है, बस आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। जैसे आप चाय पत्ती को पहले पका लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसे मैं अच्छे से इसका जो आर क्या ना पूरा निकाल लूँगी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ डाई बनाना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, बहुत अच्छा सा सीरम होना चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से हम इसे छान लेंगे, जैसे चाय पत्ती आप चाय बनाते हैं तो ब्लैक टी बनाते हैं, उसी तरीके से आप इसे ऐसे छान लेंगे। और इसमें हम अब सामान डालेंगे, एक दो जो सामान है वो मिक्स करेंगे, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कलर के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कत्था, इसमें मैं आधा चम्मच कत्था डाल रही हूँ। और इसे पानी को ना ठंडा नहीं करना है, जब आप चाय पत्ती का पानी पकाएंगे तो उसे ठंडा बिल्कुल ना करें, थोड़ा गर्म रहेगा तभी उसे छान ले। और उसमें जो जो सामान मैं आपको बता रही हूँ वो डालना है, आधा चम्मच कत्था और आधा चम्मच आयरन पाउडर, इन दोनों को जब हम गर्म में डालेंगे तो उसका कलर और अच्छा आएगा, और ये बहुत ही पक्का कलर आएगा बालों में लगाने के लिए। देखिए इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अभी हमें इसमें और भी सामान डालना है, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे हम।
और अब हम इसमें डालेंगे अपनी तीसरी चीज़। इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच कॉफ़ी, इसके आधा चम्मच में इसमें कॉफ़ी लूँगी। जो भी आप यूज़ करते हैं वो वाली कॉफ़ी आप ले लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कोई स्पेशल कॉफ़ी लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसमें ऐसे कॉफ़ी ले लेंगे और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से। अभी बहुत ही गाढ़ा सा एक सीरम बन गया है और अब हम इसमें डालेंगे जो हम, जैसे आपको अगर आप इंडिगो लगाते हैं तो आप इसमें इंडिगो को घोल कर लगा सकते हैं, तो आप इसमें चाय तो चाय पत्ती, जैसे मैंने इसमें बताया इस तरीके से आप इसमें मेहंदी घोल कर भी लगा सकते हैं। तो मेहंदी उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी जो लोग, जिन लोगों को लगता है उनकी बाल थोड़ा कम वाइट हैं और वो एक बार में उनके बालों में अच्छा कलर आ जाता है, तो इसमें मेहंदी वही यूज़ करें। लेकिन इसमें मैं आज आपको इंडिगो से डाई बता रही हूँ, तो इसमें हम इंडिगो डालेंगे। तो इंडिगो से क्या होगा, जब हम उसे यूज़ करेंगे इसमें तो बहुत ही जल्दी 10 मिनट में हमारे बाल में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इंडिगो का। और ये देखिए ये इंडिगो है, आपके पास जो भी इंडिगो आप यूज़ करते हैं वो वाली इंडिगो आप ले लीजिएगा। तो इसमें मैं नेचुरल इंडिगो ले रही हूँ जो मैंने मार्केट से ली हुई है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, बहुत तरह के इंडिगो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो जब हमारा ये सीरम अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप देख सकते हैं ये बहुत ही गाढ़ा बना है, और अब हम इसमें इंडिगो जितना हमारे बालों की लेंथ है उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो मैं तो आपको थोड़ा छोटे बालों की बता रही हूँ क्योंकि मैं रूट टचअप की तरह से लगाऊंगी, तो आप अगर पूरे बालों में एक बार लगाना चाहते हैं तो आप पूरे बालों के लिए अपने हिसाब से इस सीरम को बनाएं और इसी तरीके से जितना आपको जरूरी है उतना इंडिगो ले। तो अब मैं इसमें इंडिगो मिक्स कर दूंगी। इस तरीके से हम इंडिगो लगा लेंगे, इसमें इसमें घोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे कि इसमें लमसना बन जाए और ये पूरा इसमें अच्छे से डल जाएगी पूरा, क्योंकि मैंने एक कप इसीलिए पानी लिया था क्योंकि मुझे पता था कि इतना तो चाहिए उसमें। जैसे हम 5 से 6 चम्मच इंडिगो लेंगे तो उसमें कम से कम एक कप पानी तो हमें चाहिए। और ये देखिए हमारा जो पेस्ट था इंडिगो का वो तैयार हो चुका है। और मैं आपको बता देती हूँ इंडिगो का जब आप घोल बनाते हैं तो उसे, जैसे आप इंडिगो का पैक बना रहे हैं, इंडिगो की डाई बना रहे हैं, तो उसे बहुत गाढ़ा नहीं बनाना चाहिए, उसे थोड़ा पतला ही बनाना चाहिए। क्योंकि इंडिगो क्या होता है, जब पतली बनाते हैं हम तो अच्छे से जड़ों तक बालों को काला करती है। और बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिगो से बाल टूटते हैं, झड़ते हैं या बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिगो जैसे हम हिना को यूज़ करते हैं ऐसे ही इंडिगो होती है, तो इंडिगो भी हमारे बालों को काला बनाती है। लेकिन बस ये कि मेहंदी से बहुत लोगों के बालों में कलर नहीं आता, तो इंडिगो तो 100% रिजल्ट है कि इंडिगो से बहुत जल्दी बालों में कलर आता है और इसे हर उम्र के लोग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका बालों में इंडिगो को। और आप इसे डाई को ज़्यादा टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है, जिस तरीके से मैंने इसमें कथा आयरन पाउडर चाय पत्ती और कॉफ़ी लिया है, ये बहुत ही जल्दी नेचुरल डाई है और बहुत ही जल्दी आपके बालों में कलर देगी। ये 15 से 20 मिनट में आपके बालों में बहुत अच्छा कलर दे देगी, चाहे आपके बाल कितने भी वाइट क्यों ना हो। तो आप इसे बनाइएगा और इसका रिजल्ट बालों में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसे लगाने के लिए आपको बस क्या करना है, आप अच्छे से जो आप जब आप शैम्पू कर लेते हैं, जैसे आज आपने शैम्पू कर लिया, उसके कम से कम 1-2 दिन बाद जब आपको लग रहा है कि आपको मेहंदी लगानी है कोई भी या हेयर पैक लगाना है बालों को काला करने के लिए, तो अब उसे अच्छे से साफ बालों में लगाएं। बालों में ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 1-2 दिन पहले आप शैम्पू कर लेंगे तो उसका कलर और भी अच्छा आएगा, क्योंकि जितने अच्छे साफ बाल होंगे उतना ही अच्छा उसका कलर आएगा। तो आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसे 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में ही आप अच्छे से अपने बालों में कलर ला सकते हैं, तो उसका रिजल्ट बालों में बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही नेचुरल और बहुत अच्छी डाई है, तो आप इसे 15 से 20 मिनट में अपने बालों को काला बना सकते हैं। और मैं इसे आपको लगाकर अपने बालों में भी दिखाऊंगी इसका रिजल्ट कैसा होता है, वो तो जब आप सिर को वॉश कर लेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ, तब उसके बाद आफ्टर का रिजल्ट आपको खुद आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं इसे खुद ही अपने बालों में एक बार लगाकर और अच्छे से अपने बालों को कलर देना चाहती हूँ।